हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे से होंगे और अपने अपने यहाँ पर अच्छे से गार्डनिंग के कामों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो आज का मेरा वीडियो जो है कैना लिली पर होने वाला है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला फ्लावर है। और उससे पहले मैं कुछ गार्डन में खिले फ्लावर इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। देखिए, मॉस रोज जो है गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला और पूरी गर्मियों जो है फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है मॉस रोज और पर्सलेन। तो देखिए कितनी अच्छी बाहर जो है इस टाइम मॉस रोज और पर्सलेन में आई हुई है पूरे गार्डन में। और यहाँ पर ये कनेर का प्लांट है, इसमें भी पूरे साल कलियाँ बनती रहती हैं और फ्लावर आते रहते हैं। यहाँ पर बोगनवेला है और यहाँ पर एक टिकोमा का जो है प्लांट है, जिसको मैंने बाहर की साइड ड्रिल कर रखा है। और ये बोगनवेला है, इस पर भी पूरे साल ही फ्लावरिंग होती रहती है। और एक ये यहाँ पर कटिंग से तैयार प्लांट है, और ये बोगनवेला, और आगे भी ये पर्सलेन और मॉस रोज। और कनेर का प्लांट भी मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ है ये। तो इस समय जो है देखिए कुछ फ्लावर बंद होने को हैं पर्सलेन के। पर्सलेन जो है सुबह जो है 8 बजे खिलना स्टार्ट हो जाता है और 10 बजे तक ऑलमोस्ट खिल कर ये बंद होने लगता है। और यहाँ पर मेरे कुछ कलरफुल प्लांट कोलियस के, और यहाँ पर कैना लीली, आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला फ्लावर होता है, और ये बंचेज में जो है इसके फ्लावर आते हैं, स्ट्रोक्स इनकी ऐसे इस तरह से निकलती है। और पहले जो है कलियां बनती हैं इसमें, और फिर जो है बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है। तो वो चलिए सबसे पहले हम जो है इसकी मिट्टी की बात करेंगे। तो मिट्टी जो है इस प्लांट की वेल ड्रेन ही बनाएं सभी प्लांट्स की तरह, क्योंकि सभी प्लांट्स को वेल ड्रेन मिट्टी ही पसंद होती है। तो आप इसमें 50% गार्डन सॉयल और 10% सैंड और 30% जो है कंपोस्ट मिलाकर अच्छे से लगा सकते हैं। और ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है। और ये देखिए, मैंने येलो कलर का जो है मेरे पास नहीं था, तो मैंने कुछ ही दिन पहले, करीबन 4 मंथ पहले मैंने ये प्लांट अपने गार्डन में ऐड किया था। और इसकी छोटे छोटे से 2 प्लांट मैंने लगाए थे बिल्कुल। तो और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ पर है इस टाइम, और ये 3 से 4 महीने में ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ पकड़ जाता है। और देखिए इसमें कलियां बनकर फ्लावर भी खिलने लगे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है। इसमें जो है कोई सा भी कलर हो, इसमें ज़्यादातर रेड और येलो कलर ही मैंने देखा है वैसे तो। तो अगर आपके इस प्लांट में फ्लावर भी नहीं आ रहे हैं, तो आपके गार्डन में ग्रीनरी तो ऐड करता ही है ये वाला प्लांट, क्योंकि ये कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा बूसी हो जाता है और साइड से इसके बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो ये मैंने जो है मेरा पोर्ट भर गया था, तो मैंने ये एक ग्रो बैग में लगाए हुए हैं। और अब मेरा ये ग्रो बैग भी धीरे धीरे पूरा इसमें जो है कवर हो गया है। तो देखिए इस तरह से इसकी कलियाँ होती हैं, और फिर ये जो है फ्लावर में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती हैं। और बात करें पेस्ट अटैक की, तो मैंने कभी इस प्लांट पर कोई भी पेस्ट नहीं देखे हैं, क्योंकि ये प्लांट मेरे पास काफ़ी दिनों से है। तो फिर भी मैं सभी प्लांट पर जब नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ, तो मैं इस पर भी नीम ऑयल का स्प्रे कर देती हूँ। तो ये प्लांट देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और देखिए स्पेंट फ्लावर आप इसके हटाते रहिए, क्योंकि आप स्पेंट फ्लावर हटाएंगे तो फिर और भी इसमें जो है कलियाँ बनेंगी। और देखिए बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला फ्लावर होता है, तो कुछ समय तक ही आपके गार्डन में बना रहता है। इस तरह से स्ट्रोक्स इसकी बनती हैं और फिर फ्लावर खिलता है। अगर आपके इस प्लांट पर फ्लावर भी नहीं आ रहे हैं, तो ये आपके गार्डन में ग्रीनरी तो ऐड करता ही है, और देखने में जो है बहुत ही खूबसूरत इसकी लीफ होती है। और ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी ग्रो करने वाला प्लांट है, और ये सड़कों के किनारे और पार्क वगैरह में बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं इस तरह के प्लांट, क्योंकि वहाँ पर इनकी ज़्यादा केयर नहीं करनी होती है। तो ये बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। बात करें वाटरिंग की, तो इसमें जो है आप रोज भी पानी दे सकते हैं। ये इसकी मिट्टी जो है मॉइस्ट बनी रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें कीचड़ नहीं रहना चाहिए। तो पानी आप इसमें डालें, पर बहुत ज़्यादा इसमें जो है कीचड़ की तरह ना रहे,
तो इस तरह से पानी डालें। और बात करें सनलाइट की, तो इसको आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं। ये मेरा टेरेस पर रखा हुआ प्लांट है, देखिए फुल सनलाइट में बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। महीने में एक बार आप इसमें जो है वर्मी कंपोस्ट या कॉर्डन कंपोस्ट दे सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए। बहुत ज़्यादा कंपोस्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट इस प्लांट की नहीं होती है और इस तरह के प्लांट ज़्यादा केयर भी नहीं मांगते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।